भारत में कोरोना महामारी अपने चरम पर है। ये देखा जा सकता है कि हर दिन कोरोना के नए मामले रिकॉर्ड बना रहे हैं। हर दिन कोरोना से मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन भारत की ऐसी स्थिति देखते हुए दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस जैसे अन्य कई देश भारत की मदद कर रहे हैं, तो वहीं चीन भी पीछे नहीं है। चीन ने भी भारत की मदद करने के लिए हाथ तो जरूर आगे बढ़ाया है, लेकिन आपको बता दें कि चीन भारत का मजाक उड़ाने में भी कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। बता दें कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक फोटो शेयर की गई है जिसमें भारत की ताजा हालातों का मजाक उड़ाया गया है। ये फोटो चीनी इंटरनेट वेबो पर पोस्ट की गई है। दरअसल इस फोटो में एक तरफ चीन द्वारा चीनी लॉन्ग मार्च 5B कैरियर को विस्फोट किया जा रहा है, तो दूसरी ही ओर भारत में रात के समय जल रही चिताओं को लगाया गया है। इस फोटो के कैप्शन में लिखा गया कि चीन का आग लगाना बनाम भारत का आग लगाना। इसके साथ ही इसमें हैशटैग लगाया गया कि भारत ने एक दिन में COVID-19 के मामले 4 लाख से ऊपर होने की घोषणा की है। इस फोटो को फिर चीन के अन्य सरकारी खातों से साझा भी किया गया है। भारत की ऐसी स्थिति का मजाक उड़ाना और भारत को अपने से नीचा दिखाना खुद चीन को ही भारी पड़ गया। जी हाँ, चीन के इंटरनेट यूजर्स ने ही इसका खूब विरोध किया। कई यूजर्स ने लिखा कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि यह पोस्ट चीनी सरकार के एक खाते से की गई है। आपको दूसरे की तकलीफ से अपने देश का गौरव बताने की जरूरत क्यों महसूस हुई? एक अन्य चीनी यूजर ने लिखा कि इसे यानी कि सेंसर से मंजूरी कैसे मिली? यह पूरी तरह से मानव जीवन का अपमान है। यहाँ तक कि इस पोस्ट को सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स के प्रधान ने भी बहुत ही खराब पोस्ट माना है। कहा कि मौजूदा समय में भारत का मजाक चीन के किसी आधिकारिक इंटरनेट खाते के जरिए या अन्य सशक्त ताकतों के जरिए बनाना एकदम गलत है। बताया जा रहा है कि इस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुक्रवार को चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी भारत का साथ देने के लिए हाथ आगे बढ़ाए हैं। हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब।